नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कसा तंज। पूर्व मंत्री लखन घंघोरिया ने कहा कि आज जब जबलपुर धीरे धीरे संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर बढ़ रहा है, तो ऐसे में उस अधिकारी का तबादला करना जो कि हमेशा ही शहर के लिए खड़ा रहता है और सार्वजनिक रूप से तमाम नेता जनप्रतिनिधि तारीफ भी करते हैं, उस अधिकारी को ऐसे समय में हटाना निश्चित रूप से प्रतिशोध की भावना को इंगित करता है। शिवराज सिंह को लगता है अकेले ही सरकार चलाना है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि शिवराज सिंह स्वयं सभी विभागों के मुखिया बने हुए, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या गृह विभाग, ऐसे तमाम विभाग जहां सरकार असफल हो रही, ऐसे विभागों के लिए वो खुद दोषी। लॉकडाउन के समय हो रही मौतों के लिए क्या शिवराज सिंह जिम्मेदार नहीं? यदि इन घटनाओं को हम कानून व्यवस्था से लेकर देखें, तो शिवराज सिंह प्रदेश में फैली अराजकता के जिम्मेदार है। उन्हें तुरंत ही अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जबलपुर सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। किसी भी व्यक्ति से बहुत अच्छी उम्मीद की, बहुत अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं होती है। जब पूरा देश पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही हो और मुस्तैदी के साथ जो अधिकारी लड़ रहे हों और जिनकी सार्वजनिक रूप से खुद भी प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम नेताओं ने बहुत तारीफ की हो, ऐसे समय पे एसपी को हटाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना को इंगित करता है। खुद ब खुद शिवराज सिंह जी सारे विभागों के मुखिया बने बैठे हैं। स्वास्थ्य विभाग की असफलता के लिए क्या खुद दोषी नहीं होंगे? गृह विभाग की असफलता के लिए क्या खुद दोषी नहीं होंगे? और तो और जो श्रमिक दिहाड़ी मजदूर भूखे मर रहे हैं, पांच मध्य प्रदेश की इतनी मौतों की जिम्मेदार क्या शिवराज सिंह नहीं होंगे? यदि किसी एक घटना को